कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हम मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर उतार के डीजी साहब को भेजा करते थे और वहां पे डीजी बढ़ती का पुलिस में सिलसिला रहता था, वहां कैंप लगती थी, बच्चों का लाइन लगता था, अगर छाती बराबर कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे वहां दस्तखत करके बच्चों को पुलिस में दाखिल करते थे। आज 10 साल हो गए हमने कहीं पे डीजी बढ़ती नहीं देखी, हमने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नौजवानों को मिलते हुए नहीं देखा। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों और आपकी दुआओं के नतीजे में 8 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत बनी तो चंद दिनों के अंदर हम कम से कम 1,00,000 नौजवानों को सरकारी मुलाजमत देंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी को हेलीकॉप्टर में भेज के यहाँ डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे। कौन सा ऐसा चीज है जिसको लेके हम परेशान नहीं है? वो ठीक है, बड़ी लड़ाई हम मरकज के साथ 370 के लिए लड़ेंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के हमारे मुतालबे हैं, परेशानियां हैं, उनका भी इन पिछले 8-10 सालों में इलाज नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, बनी मलिक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ बिजली के हवाले से बात की और अफसोस इस बात का कि हमारी दरियाओं का इन्होंने जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया बिजली हासिल करने के लिए। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट और बिजली की फीस आज आसमान में। मेरे दौरे हुकूमत में जब गनी मलिक साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, महीने का बिजली का बिल 150-200-250 रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं। आज बदकिस्मती से इन तमाम कट्स के बावजूद बिजली का बिल इन देहात के इलाकों में कम से कम महीने का आपका 1650 रुपए है। आमदनी आपकी 1500 होगी, आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल जो है 1650 रुपए से कम नहीं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि इस बोझ को कम करने के लिए, इस दबाव को कम करने के लिए इंशाल्लाह हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम ये जो बिजली का खर्चा आपके ऊपर हो उसको हम कम कर सकें। यहाँ पे रोजगार के हवाले से मैंने बात की, बिजली के हवाले से बात की, सेहत का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, हमने दोबारा अस्पताल अपने कायम करने हैं। यहाँ पे रोहनी मलिक साहब जो है शुपया के साथ इस इलाके को जोड़ने, दमाल हांजीपुरा के साथ जोड़ने की बात की और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी हम दिल्ली से मंजूरी दिलवा के इस पे जो है काम जल्दी से करवा के इसको हम मुकम्मल करवाएंगे। इसी तरह अगर हम राशन की बात करें, मुझे अपना दौर याद है जब यहाँ राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल आपको फरहाम किया जाता था, जब राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी दी जाती थी, जब राशन कार्ड के जरिए राशन का स्केल इतना होता था कि उससे आपका गुजारा हो जाता था। आज राशन कार्ड में आपको चीनी नहीं मिलती।